अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट सदाम और आज है हमारे साथ फैज़ान भाई। तो फैज़ान से कुछ सवालात करते हैं हम, जैसे कि हमने सेलिब्रेट किया है आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का। तो फैज़ान भाई से पूछते हैं, ये स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, इनसे पूछेंगे इनको कितनी जानकारी है मेंटल डे के, वर्ल्ड मेंटल डे के बारे में। तो आप फैज़ान भाई, आप ये बताइए, आप क्या समझते हैं वर्ल्ड मेंटल डे जो है वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और इसके पीछे मकसद क्या है? इसके पीछे मकसद ये, जैसे आवाम यहाँ घूम रही है, हाँ, ये लोग सारे टिकटॉक बनाने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और टिकटॉक बनाते हैं, सब अपने आप फेमस होने की वजह से सब यहाँ पर आते हैं, और हमारे वीडियो को लोग कोई लाइक करता नहीं है, सब अपने अपनी वीडियो को लाइक पे लगे रहते हैं, इस वजह से सब ये लोग मेंटल हैं। भैया की सबसे मेन वजह तो ये है कि हमारा जो हालात है वो ज़हनी टेंशन, जब इंसान घर से निकलता है तो वाकई वो हर किस्म का आदमी, आप किसी को भी उठा लें, चाहे वो बड़ी लैंड क्रूजर में बैठा है या एक मोटरसाइकिल पर बैठा है, दोनों सेम टू यू है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर हम बाइक टच हो जाए, गलती हमारी हो, और अगर हम पहले ही सॉरी बोल दें और थोड़ा सा मुस्कुरा दें तो उससे बहुत अच्छा होता है। मुस्कुरा देने से अगले आदमी का मान वैसे ही वो ठंडा पड़ जाता है। असल में हमारे साथ होता ही है कि जब हम गलती करते हैं, गलती करने के बाद पहले तो एक्सेप्ट नहीं करते, और अगर एक्सेप्ट करते भी हैं तो मुंह ऐसा बनाते हैं कि अगला जो है वो और गुस्से में हो जाता है। और अगर हम गलती करते हैं, अगर हम गलती करने के बाद उसको हम कह दें गलती हमारी हो उसकी नहीं हो, फिर हम उसको कह देना सॉरी, तो वो आदमी बहुत शर्मिंदा हो जाता है। तो ये शर्मिंदगी सबसे अच्छी वजह है अगले को देने में, कि अपनी गलती पर आप शर्मिंदा हो जाए तो वो खुद ब खुद जो है चुप हो जाएगा। एक और सवाल पूछना चाहूँगा मैं आपसे यहाँ पर, आप क्या समझते हैं कि मेंटल कौन है, जो हॉस्पिटल में है वो, या जो जो लोग बाहर हैं? हॉस्पिटल में तो जो कहेंगे वो तो चलो हॉस्पिटल के अंदर है ना, बाहर वाले कौन हैं? असल में बेसिकली वही मेंटल हुए ना, जिनके पास अखलाकियात नहीं है, जिनके पास दीन नहीं है, जिनके पास इस्लाम नहीं है, जो दीन पर नहीं चल रहा है। इस्लाम ही इंसानियत देता है ना, और इंसानियत ही के बाद ही कुछ इंसान आगे बढ़ता है, इंसानियत ही नहीं हो तो वो तो मेंटल हुआ ना, तो वो इंसान जो इंसान मुसलमान तो हो गया लेकिन इंसान नहीं बना, तो उसका मुसलमान होना भी सही नहीं है, क्योंकि वो इंसान ही नहीं बना। जब तक वो इंसान सही नहीं बनेगा तो उसका दिमाग कैसे काम करेगा?